नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासत। मैं शेखर त्रिवेदी। यूपी का पूर्वांचल इलाका सियासी दलों के लिए एक ऐसा गढ़ रहा है जहां से उनके सत्ता में जाने की डगर काफी हद तक आसान हो जाती है। यानी जिसने भी पूर्वांचल पर कब्जा किया उसकी सत्ता लखनऊ से लेकर दिल्ली तक कायम होती गई। यूपी में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी जैसे तेज हो रही है, तमाम सियासी दल एक बार फिर पूर्वांचल का रुख करने लगे हैं। उस पूर्वांचल का जहां बदहाली, गरीबी, पिछड़ापन, इंसेफलाइटिस से मौत तो मानो नियति बन चुकी है। पूर्वांचल में विकास हमेशा से बड़ा मुद्दा रहा है, पर जाति और धर्म में बटा समाज भावनात्मक मुद्दों पर बटकर बिखरता रहा है और चुनाव के समय मुद्दा विकास ना होकर कई बार सियासत की हवा के हिसाब से हो जाता है। तो क्या एक बार फिर पूर्वांचल वोटों की बिसात पर सिर्फ मोहरा बनकर रह जाएगा? सावधान पूर्वांचल। कला, संस्कृति और धरोहरों से संपन्न है उत्तर प्रदेश का पूर्वी इलाका, जिसे पूर्वांचल के नाम से भी जानते हैं। पूर्वांचल में शामिल वाराणसी की पहचान ज्ञान और आध्यात्म के शहर के रूप में भी है। सिर्फ इतना ही नहीं, सियासत में भी पूर्वांचल की भूमिका बेहद अहम है। अकेले पूर्वांचल में प्रदेश की करीब 150 विधानसभा सीटें हैं, जो कई प्रदेशों की कुल विधानसभा सीटों से भी कहीं ज्यादा है। इतना ही नहीं, संसद में भी पूर्वांचल का प्रतिनिधित्व कई राज्यों से ज्यादा है। पूर्वांचल से लोकसभा में 32 सांसद चुनकर जाते हैं। पूर्वांचल ने देश को लाल बहादुर शास्त्री और चंद्रशेखर के रूप में 2 प्रधानमंत्री भी दिए, लेकिन इन सब के बावजूद पूर्वांचल की तकदीर में कुछ और ही लिखा है। स्वास्थ्य सुविधाओं में पिछड़ा क्यों? पूर्वांचल के माथे पर अगर सबसे बड़ा कोई कलंक है तो वो है इंसेफलाइटिस का। गोरखपुर में इंसेफलाइटिस का कहर दशकों से है। अब तक हजारों मासूम इसके शिकार हो चुके हैं। हर साल औसतन 500 छोटे छोटे बच्चे इंसेफलाइटिस से मरते हैं। सरकार की ओर से करोड़ों रुपए खर्च किए जाने के बावजूद गोरखपुर से इस बीमारी को खत्म नहीं किया जा सका। इसके अलावा इलाके में कुछ गिने चुने ही सरकारी अस्पताल है जहाँ सुविधाओं की बेहद कमी है। उद्योगों की रफ्तार बंद क्यों? कभी अपनी चीनी मिलों की पहचान के लिए मशहूर पूर्वांचल में अब गिनती की चीनी मिलें बची हैं। सरकारी अनदेखी के चलते कई चीनी मिलें या बंद हो चुकी हैं या फिर आखिरी सांसें ले रही हैं। औद्योगिकरण तो इस पूरे इलाके में करीब करीब खत्म हो चुका है, लिहाजा यहां से युवाओं का पलायन तेजी से हो रहा है। शिक्षा स्वास्थ्य बदहाल क्यों? एक वक्त पूर्वांचल की पहचान ज्ञान के क्षेत्र के रूप में होती थी। वाराणसी इसका गढ़ माना जाता था, लेकिन बीएचयू के अलावा इस इलाके में कोई केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है। साथ ही उच्च शिक्षा के अच्छे शिक्षण संस्थान भी गिनती के बराबर हैं। ऐसे में छात्र उच्च शिक्षा के लिए पश्चिमी यूपी या फिर दक्षिण भारत का रुख कर रहे हैं। क्यों खत्म हो रही है पहचान? जिस आध्यात्मिक पहचान के लिए वाराणसी जाना जाता था, उसकी सुध लेने वाला भी कोई नहीं है। वाराणसी में गंगा नदी और घाटों पर गंदगी का अंबार है। शहर सिकुड़ता जा रहा है, लेकिन शायद ही किसी को इसकी फिक्र है। इसके अलावा पूर्वांचल के किसी और जिले को पर्यटन के लिहाज से भी विकसित ही नहीं किया गया। पूर्वांचल सियासत की सबसे उपजाऊ जमीन मानी जाती है। कभी कास्ट पॉलिटिक्स तो कभी धर्म के नाम पर इस इलाके के लोगों को बांटा जाता रहा है।
सिर्फ विकास के झूठे सपने दिखाए जाते रहे हैं। अब एक बार फिर सियासतदानों को पूर्वांचल की याद आई है। अब अगले कुछ महीने इसी सियासी जमीन पर अपने लिए नेता फसल तैयार करते दिखेंगे। लेकिन एक बात जो पूर्वांचल पहले कई बार भूल चुका है, लेकिन इस बार उसे याद रखना है कि इतने सालों में पूर्वांचल को क्या हासिल हुआ और आगे क्या मिलेगा और किससे मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। जनता के लिए बदकिस्मती का सबब बनता जा रहा पूर्वांचल सियासी दलों के लिए हमेशा से वोटों की उपजाऊ जमीन रहा। पूर्वांचल के वोट बैंक पर नजर गड़ाए सभी दलों ने इस इलाके को लेकर अपनी अपनी रणनीतियों पर अमल तेज कर दिए हैं। अगले महीने की शुरुआत होते ही पूर्वांचल सियासी गहमा गहमी का गवाह बनने जा रहा है। 1 मई को प्रधानमंत्री मोदी तो 2 मई को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पूर्वांचल के अलग अलग हिस्सों में होंगे। वहीं 3 मई से कांग्रेस भी पूर्वांचल में कैंप करेगी। वैसे तो सियासत में एक छोटी सी पंचायत सीट की भी अहमियत होती है, फिर सोचिए कोई एक ऐसा क्षेत्र जहां पर एक दो नहीं बल्कि 32 लोकसभा सीटें हों, तो वो इलाका सियासत का गढ़ ही माना जाएगा। जी हां, बात हो रही है पूर्वांचल की। कभी धान का कटोरा कही जाने वाली पूर्वांचल की धरती सियासत के लिए भी उतनी ही उपजाऊ है। करीब 8 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले प्रदेश के पूर्वी हिस्से से हमेशा की तरह इस बार भी आने वाले विधानसभा चुनाव में बहुत कुछ तय होगा। यूपी की सियासत को भी पूर्वांचल की अहमियत का अंदाजा है, तभी तो सियासत की इस उपजाऊ जमीन पर अपने लिए सत्ता की नई फसल उगाने के लिए हर सियासी दल ने अपनी रणनीति को परवान चढ़ाना शुरू कर दिया है। लेकिन उससे भी बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि समस्याएं दशकों दशक से इस इलाके के लिए नासूर बनी हुई हैं। चुनावी वादे चुनाव बाद कहां हवा हो जाते हैं, इलाके की जनता अब तक जान नहीं पाई। अब एक बार फिर चुनावी वादों और पूर्वांचल का हितैषी होने के दावे तेज हो गए हैं। आयोग बनते गए, पर यह सच है कि बदहाली दूर नहीं हुई। बदहाली को दूर किए जाने के प्रयास किए जाने चाहिए, इसलिए लगातार रोजगार का सृजन हुआ, इसलिए मुद्रा योजना, स्टार्टअप स्टैंडअप इंडिया को लेकर के, और अब ये उज्ज्वला योजना के तहत वितरण का कार्यक्रम एक गेम चेंजर के रूप में हम चाहते हैं। और सत्तारूढ़ दल के हम कार्यकर्ता हैं, इसलिए योजनाओं से जो वास्तविक लाभार्थी है वो लाभान्वित हो, हम इसका प्रयास कर रहे हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं कि पूर्वांचल में जिस किसी भी पार्टी की चली वही पार्टी प्रदेश और देश दोनों ही जगह सत्ता में रही। बहरहाल पूर्वांचल में वोटों की फसल काटने की तैयारी में सियासी दलों ने जोर आजमाइश तेज कर दी है। बीजेपी और एसपी ने जमीन तैयार करने के लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं। तो वहीं आने वाले दिनों में कांग्रेस और बीएसपी भी सूबे के लिए सबसे अहम सियासी रण में कूदने की तैयारी में है। ये दोनों नेता हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री इस बात को भूल गए कि जिस क्षेत्र से अपनी चुनावी रणनीति शुरू करने जा रहे हैं वो बुरी तरह त्रस्त है प्राकृतिक आपदाओं से, और ऐसे समय में जब किसान और मजदूर के पास मजदूरी के अलावा कुछ नहीं रह गया था, उस समय इन्होंने करोड़ों रुपए की मजदूरी इनकी नहीं दी। मोदी जी जरूर जो दुनिया के सबसे बड़े पर्यटक हैं वो अपनी पर्यटन मंडली के साथ सुना है कि पूर्वांचल में आ रहे हैं कुछ करने। हमने किया है, हमने विकास किया है, हम वहाँ पर हैं। पूर्वांचल के सुख में उसके साथ हैं, पूर्वांचल के दुख में उसके साथ हैं। 1 मई को पीएम मोदी बलिया पहुंच रहे हैं, तो 2 मई को यूपी के सीएम अखिलेश यादव गोरखपुर दौरे पर होंगे। अब बड़ा सवाल यह है कि सियासी रैलियों से क्या वाकई पूर्वांचल को जड़ों तक खोखला करती जा रही तमाम समस्याओं का अंत होगा। इसका जवाब शायद ही किसी सियासी दल के पास है। दरअसल सच तो यह है कि चुनावी मौसम में वादों की झड़ी चुनाव खत्म होते ही पूर्वांचल के लिए सपना बन जाती है। अब एक बार फिर पूर्वांचल सियासी दलों से पूछ रहा है कि इंसेफ्लाइटिस के जड़ से खात्मे के लिए क्या है उनका एजेंडा। पूर्वांचल में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए कब होंगी ईमानदार कोशिशें। औद्योगिकीकरण के लिए राजनीतिक दिग्गजों के पास क्या योजना है। गन्ना किसानों की बदहाली दूर करने के लिए क्या उपाय होने चाहिए। बंद होती चीनी मिलों को चालू कराने के लिए कौन से ठोस उपाय होने चाहिए। बुनकरों की समस्याओं को लेकर क्या कोई समाधान है किसी के पास। बाढ़ की समस्या से निजात दिलाने के लिए किसके पास क्या है कार्य योजना। बुनियादी ढांचे के विकास के लिए काम करने को कौन है तैयार। क्या सियासी दल अधूरी पड़ी परियोजनाओं के लिए कभी पहल करेंगे। जाहिर है ये वो सवाल है जिनके जवाब की अपेक्षा पूर्वांचल की जनता सियासी जमात से रखती है, और इनका जवाब दिए बिना पूर्वांचल में किए गए सारे सियासी वादे अधूरे ही माने जाएंगे। अब देखना है इस बार ये मियाद कितनी लंबी होती है। विधानसभा 2017 के चुनाव की तैयारियों को लेकर अब सियासी दलों ने पूर्वांचल का रुख किया है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और तमाम विपक्षी दलों के पूर्वांचल दौरे इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में पूर्वांचल में सियासत
और भी गहराएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि पूर्वांचल के विकास का जवाबदेह कौन होगा। कैनन जयप्रकाश सत, अवनीश विद्यार्थी, लखनऊ, इंडिया 24/7। पूर्वांचल के लिए दर्द की सबसे बड़ी वजह है इंसेफेलाइटिस। ये बीमारी हर साल पूर्वांचल में सैकड़ों बच्चों की जान लेती है। हर चुनाव में पूर्वांचल को इंसेफेलाइटिस से मुक्ति दिलाने की बात होती है। गोरखपुर में एम्स बनाने की बात हुई थी, लेकिन आज पूर्वांचल को इंसेफेलाइटिस से मुक्ति दिलाने की आज तक कोई ठोस पहल नहीं हुई। इंसेफेलाइटिस देश के लिए एक बीमारी है, लेकिन पूर्वांचल के लिए ये एक दर्द है। ऐसा दर्द जो हर साल सैकड़ों मासूमों को छीन लेता है, सैकड़ों माओं की गोद सूनी कर देता है। इंसेफेलाइटिस यानी दिमागी बुखार ने अब तक पूर्वांचल में कितने बच्चों को अपना शिकार बनाया है, इसका सही सही आंकड़ा मिल पाना मुश्किल है। बताते हैं कि साल 1978 से यह बीमारी पूर्वांचल में बचपन का दुश्मन बनी हुई है। उत्तर प्रदेश से लेकर केंद्र तक इस दौरान कई सरकारें बदली, कई नेता आए, लेकिन नहीं बदली तो पूर्वांचल में इंसेफेलाइटिस से होने वाली मौत। साल दर साल इस बीमारी के चपेट में आकर जान गंवाने वाले बच्चों की संख्या बढ़ती गई। आज भी पूर्वांचल इस बीमारी से निजात पाने के लिए तड़प रहा है। हर चुनाव में पूर्वांचल में इंसेफेलाइटिस बड़ा मुद्दा होता है। हर नेता इस बीमारी के इलाज के लिए वादा तो करता है, लेकिन आज भी ये वादे पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं। जब केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो लोगों को उम्मीद थी कि अब पूर्वांचल को इस जानलेवा बीमारी से निजात मिलेगी। इंडिया 24/7 के एडिटर वाशिंद्र मिश्र ने तब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री रहे डॉक्टर हर्षवर्धन के सामने इस मुद्दे को उठाया था। पूर्वांचल के लोग या देश के लोग इंसेफेलाइटिस को लेके आपसे बहुत उम्मीद लगाए हैं, आपके पास क्या एक्शन प्लान है इस बीमारी से रोक? हम उन सब प्रभावित ज़िलों में जहां पिछले सालों में ये बीमारी बहुत ज़्यादा अपना प्रकोप उसने दिखाया है, वहां पल्स पोलियो की तर्ज पर एक दो दिनों में ही 100% बच्चों को हम इम्यूनाइज करने की टीका इसका देने की कोशिश करें। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के लिए 100 वेंटिलेटर्स जो है हम लोगों ने, ताकि बच्चों की आईसीयू हो, पूरे उस इलाके के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में स्पेशलाइज्ड वार्ड जो है इसके लिए निर्मित हो। सर्वेलेंस का मैकेनिज्म जो है, क्योंकि अभी पोलियो के लिए सर्वेलेंस की जो सिस्टम्स हैं सारे देश में एस्टैब्लिश्ड हैं, उन सिस्टम्स का प्रयोग करके और जो नॉर्मल सिस्टम्स हैं उनको जोड़कर इसकी सर्वेलेंस बहुत तेज की जाए। तो कुल मिलाकर ये सारे प्रयास हम बहुत तेज कर रहे हैं। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी पूर्वांचल को धोखा ही मिला। वायदे तो इंसेफेलाइटिस को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए किए गए थे, लेकिन इलाज के लिए भेजी गई दवाई एक्सपायरी डेट की निकली। हाँ, ये मुद्दा अब भी बीजेपी के एजेंडे में जरूर है। देखिए, पूर्वांचल का पिछड़ापन और पूर्वांचल की बदहाली यह सच्चाई है, लेकिन उसमें सुधार हो इसके लिए प्रयास कर रही है मोदी सरकार। इसीलिए एक उज्ज्वला योजना का शुभारंभ हम बलिया से करके एक संदेश देने की कोशिश है कि जो गाँव का गरीब तबका है, जो गरीब महिलाएं हैं, उनको हम स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। अब सूबे की सरकार का हाल भी सुनिए। इंसेफेलाइटिस के इलाज के लिए गोरखपुर में एम्स बनाने का प्रस्ताव है। केंद्र सरकार ने इसके लिए यूपी सरकार से जमीन मांगी थी। अब तक एम्स बनाने की प्रक्रिया तो शुरू नहीं हुई, लेकिन राजनीति भरपूर हो रही है। उन्होंने कहा जमीन चाहिए, मैंने कहा जमीन ले लो, एम्स के लिए जमीन दे दी। कहते हमें जमीन नहीं अच्छी लग रही है। एम्स के लिए 200 एकड़ लैंड देना होता है राज्य सरकार को। रायबरेली के एम्स के लिए इन्होंने पूरी जमीन नहीं उपलब्ध करवाई, अधूरा पड़ा हुआ है। केंद्र में जब यूपीए की सरकार थी तब राहुल गांधी गोरखपुर पहुंचे थे। तब राहुल गांधी ने इंसेफेलाइटिस से बीमार बच्चों के इलाज के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए वैक्सीनेशन कराने की बात कही थी, लेकिन हर वादे की तरह ये वादा भी हवा हवाई ही साबित हुआ। हर अपने जनसभा में राहुल गांधी ने वायदा किया था कि वे इंसेफेलाइटिस की बीमारी पर रोकथाम के लिए कारगर कदम उठवाएंगे और अपनी सरकार पर दबाव बनाएंगे कि यहाँ हर साल मरने वाले नौनिहाल बच्चों की जान को बचाया जा सके। लेकिन वह सरकार अपना 10 साल का काज पूरा करके चली गई और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोई ठोस काम नहीं हो पाया। और ये नेता लोग, ये सरकारें सिर्फ वोट की राजनीति करती हैं। चुनावी फसल जब आता है तो वोट की फसल काटने के लिए बड़े बड़े वायदे किए जाते हैं, और जब चुनाव खत्म हो जाता है तो पलट के कोई जाके देखता भी नहीं।
साल 2017 में यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में नेताओं का पूर्वांचल दौरा शुरू हो गया है। अब पूर्वांचल को बड़े बड़े वादों की सौगात मिलेगी, लेकिन सवाल ये कि आखिर पूर्वांचल को इंसेफेलाइटिस से मुक्ति कब मिलेगी, आखिर कब इस बीमारी का खात्मा होगा। गोरखपुर से प्रदीप तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7।